क्या हुआ? अरे वीरा, ये देखो मोबाइल फोन मिल गया। इन्होंने अलमारी में रखा था और खुद भूल गया, और तुम पर चोरी का इल्जाम लगा रहे थे। चालबाज आदमी, मुझे फंसाया। देखो देखो सुंदर, हमारा खानदान में आज तक कभी किसी जीजा ने साले के साथ मारपीट नहीं की है, और मैं भी वो रिकॉर्ड तोड़ना नहीं चाहता हूँ। इसलिए शांति से और दूर से बात करो। और ये मेहता साहब भी खाली लेखक नहीं है, एक जमाने के कराटे चैंपियन रह चुके, पिंक बेल्ट। और खुशी मनाओ भाई तुम तो, कि मोबाइल तुम्हारे बैग से नहीं निकला है। मेहता साहब, हमेशा सच्चाई की जीत होती है। देखा आपने, देखा मेरा वीरा निर्दोष है। हाँ भाभी, बिल्कुल बिल्कुल निर्दोष क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है। गलती जेठालाल तुम्हारी है, तुम मोबाइल रख के भूल गए और इल्जाम लगा दिया सुंदर पे। जरा सा शक था, तुमने कह दिया कि सुंदर मोबाइल उठा के ले गया। नहीं नहीं, देखो जेठालाल, दिस इज वेरी रॉन्ग, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर सोचे समझे कुछ भी कह देते हो भाई, ये तो रिश्ते दाव पे लग जाते। ये तो दया भाभी महान है कि तुम्हें माफ कर दिया, वरना तो। एक मिनट मेहता साहब, माफ करने का तो सवाल ही नहीं उठता। मेरे वीरा के पास से मोबाइल फोन नहीं निकला है, इसलिए मेरी प्रतिज्ञा के अनुसार मैं ये घर छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। वीरा। हाँ बेना। तुम बैंगलोर जा रहे हो तो रास्ते में मुझे अहमदाबाद छोड़ के जाना। दया दया दया, ये क्या कर, दया दया भूल जाओ सब। हाँ, आपको भूलने की पूरी कोशिश करूँगी मैं। अरे मैं ये पूरी बात भूलने की बात कर रहा हूँ दया। अरे मेहता साहब बैठे क्या, समझाओ भाई इसको। हाँ हाँ हाँ, देखो देखो दया भाभी, जेठालाल ने कोई अपराध नहीं किया है, ये गलती की है। गलती की है, पश्चाताप कर रहा है वो। बहुत पश्चाताप कर रहा हूँ। आप देखिए कि पश्चाताप से बड़ा कोई प्रायश्चित होता है? नहीं होता है। गुस्सा थूक दीजिए। थूका थूका थूक। माफ करो, आप इसको माफ कर दो बिल्कुल। हाँ माफ करो। नहीं 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 मेहता साहब। अरे यार सुंदरलाल, तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो, तुम तो कुछ बोलो, तुम्हारी बहन के सुखी संसार का सवाल है ये। तो नहीं नहीं मीरा, तुम कुछ भी कहोगे मैं नहीं मानूंगी। देखो बेना बेना, तुम देखो बेना, देखो देखो बेना, बोलो क्या करो बेना, देखो 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 बेना, जीजा जी के दिल, जीजा जी थोड़ा, देखो बेना जीजा जी के दिल में बहुत बड़ा पश्चाताप हो रहा है। देखो बेना, तुम भी अपना दिल बड़ा करो, सब भूल जाओ और उनको माफ कर दो। मीरा, मैं बस इतना चाहती हूँ कि ये तुम्हें मोबाइल चोर ना समझे। अरे भाई मैं नहीं समझ रहा हूँ ऐसा, मोबाइल चोर तुम कहो तो इधर हाथ पे लिख दो, ये साला चोर नहीं है, है? मतलब मेरा साला चोर नहीं है, ऐसा लिख दो। नहीं नहीं लिख दो, एक मिनट, पेन है इधर, पेन दीजिए। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपको माफ कर दिया। थैंक यू दया, थैंक यू भाई। सुंदर मेहता साहब, अरे मेहता साहब थैंक यू। चलो चलो, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सेठ जी, अरे आइए आइए, नटो का क्यों अचानक घर पे आना पड़ा? अरे सेठ जी, ये चार्जर तो आप दुकान में ही भूल गए थे। किसका कौन सा क्या चार्जर है ये? अरे भूल गए सेठ जी, अभी आप नया मोबाइल रेड चेरी दुकान से घर लेकर आए हैं ना, उसी का चार्जर है ये। द
टप्पू के पापा आज ही दुकान से ये मोबाइल लाया है? हाँ सेठानी जी। मतलब आपने नया मोबाइल लाकर अलमारी में रख दिया? तो हम जो मोबाइल फोन ढूंढ रहे हैं वो कहाँ है? वो फोन अभी सुंदर ने चुरा लिया। हाँ देखिए, आप अभी भी ऐसा ही सोच रहे हैं कि मेरे मीरा ने मोबाइल फोन चुराया है। एक मिनट, कोई मुझे समझाएगा कि यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ आग बुझ गई थी, आपने यहाँ क्या उसमें कांडी लगाई है फिर से? अरे आप अपनी गलती छुपाने के लिए बेचारे नट्टू काका के ऊपर क्यों गुस्सा कर रहे हैं?